सो फ्रेंड फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या Realme UI 2.0 का अपडेट Realme 3 एंड 3i के फोन में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एंड फायदा आपको पता भी होगा Realme UI 2.0 का अपडेट Realme के फोन में मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसका फर्स्ट लुक एंड इंप्रेशन आज ही के वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। Realme के यूजर की तरफ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लाइक दैट भाई Realme फीटो के डिवाइस में Realme UI की फर्स्ट बीटा टेस्टिंग कब होने वाले, क्योंकि अभी तक Realme UI का अपडेट Realme फीटो के डिवाइस में प्रोवाइड नहीं हो पाया। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ये आता है Realme के यूजर की तरफ से भाई Realme 5, 5F एंड 5i के फोन में Realme UI का जो अपडेट आया था 3.49 वाला, आने के बाद भी ये अपडेट गायब हो गया ऑटोमेटिक। एंड कुछ बंदे जो आधा भी डाउनलोड किए थे उनके भी फोन पे ये अपडेट गायब हो गया। तो भैया जी हमारे फोन में ये अपडेट 3.49 का कब तक आने वाला है, या फिर हमें 3.49 का ना आए 5.1 का आए, मतलब जो भी अपडेट आने वाला है कब तक आने वाला है। फो फ्रेंड काफी सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ आज के वीडियो के थ्रू। एंड दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच की जगह। एंड उससे पहले आपको बता दें अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, फिर यार आपको लेटेस्ट अपडेट की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। फो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड फाइनली Realme UI 2.0 का अपडेट Realme के फोन में मिलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं जो स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन शॉट टेकन किया गया है Realme X50 Pro के डिवाइस पे। एंड ये स्क्रीन शॉट में आपको एक चाइनीज लैंग्वेज में जो स्क्रीन शॉट दिख रहा है ये Realme UI 2.0 में अपडेटेड डिवाइस है। इसमें एंड्रॉइड 11 की फर्स्ट बीटा टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन पैनल का फर्स्ट एंड सेकेंड स्क्रीन शॉट एंड तीसरा स्क्रीन शॉट है बैटरी के रिलेटेड, क्योंकि भैया जी कलर शेवन के बाद Realme के फोन में बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी तेजी से हो रहा था। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि Realme UI 2.0 में बैटरी ड्रेनिंग वाला प्रॉब्लम फिक्स कर दिया गया है Realme की तरफ से। एंड फाइनली वो फिक्स भी कर दिया गया है, इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली Realme एंड Oppo की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे भाई हमारे फोन में जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलेगा, इसमें जो एंड्रॉइड 11 की फर्स्ट बीटा टेस्टिंग हो रही है वो किस स्क्रीन फॉर मतलब किस कलर ओएस वर्जन पे प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब किस कलर ओएस वर्जन पे मिलेगा। फॉर फ्रेंड्स आपको ये कंफर्म कर दे कलर ओएस का लेटेस्ट अपडेट कलर ओएस 7.2 ही है। यहाँ पर फाइनली कोई क्वेश्चन ही बनता कि कलर ओएस 8 का अपडेट, क्योंकि भाई कलर ओएस 8 का अपडेट काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे भाई हमारे फोन में एंड्रॉइड 11 विथ कलर ओएस 8, तो इसका अभी तक कोई भाई बात नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक कलर ओएस 8 का अपडेट तो लॉन्च ही नहीं किया गया। तो कलर ओएस 8 का अपडेट आपके फोन में कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें जो एंड्रॉइड 11 का फर्स्ट वर्जन के बाद जो अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो कलर ओएस 7.2 ही है। एंड ओप्पो की तरफ से भाई ओप्पो के फाइंड एक्स टू एंड एक्स टू प्रो के सीरीज में जो भी अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब इन फोन में जो भी अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है एंड्रॉइड 11 में, उनमें सिर्फ कलर ओएस 7.2 का ही अपडेट दिया जा रहा है। यहाँ पर फाइनल रियलमी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अभी तक कलर ओएस 8 का अपडेट नहीं मिल पाएगा। एंड फाइनली जब कलर ओएस 8 लॉन्च होगा तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग काफी सारी होंगे एंड इस पर काफी सारे वीडियोज भी बनेंगे, मैं आपको बता दूंगा। एंड फाइनली क्वेश्चन आते हैं Realme 3 एंड 3i के फोन में क्या Realme UI 2.0 का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें Realme UI 2.0 एंड Android 11 का जो अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें Realme UI 2.0 विद Android 11 पे ही मिल रहा है, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर में आपको Realme UI 2.0 विद Android 11 पे ये अपडेट मिल सकता है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली में आपको भी पता होगा चाइना में जो लिस्ट जारी की गई थी Android 11 की, उसमें Realme के नंबरिंग फ्रेज लाइक दैट Realme 3 एंड 3i, Realme 5, 5F एंड 5i का भी नेम आया था, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं कर सकते भाई Realme UI 2.0 विथ Android 11 का अपडेट Realme 3 एंड 3i के फ़ोन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डिवाइस है। तो भैया जी आप भी समझ के चलिए फिर मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा कन्फर्म नहीं है Realme की तरफ से, ना ही कोई कन्फर्म लिस्ट आई है क्या भैया जी इन फोन्स में ये अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है शायद आपको Realme UI 2.0 विथ Android 10 पे ही मिल जाए और Android 11 मिल गया तो यार काफ़ी अच्छी बात है। एंड फाइनली भाई ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं Realme फीटू की डिवाइस की तरफ से भाई हमारे फोन में Realme UI का अपडेट काफ़ी लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है भाई Realme 3 एंड 3i वालों जरा सा सुन लो ये बात, अगर आप Realme 3 एंड 3i की यूजर है तो आप भैया आप भी एक कारण हो Realme UI फॉर Realme फीटू डिवाइस के लिए, क्योंकि आपको बता रहे हैं भाई Realme 5, 5F एंड 5i के लिए Realme UI अपडेट रिलीज किया जा रहा है Realme की तरफ से, एंड Realme 3 एंड 3i के लिए Realme UI का जो लेटेस्ट अपडेट है 3.10 था है नहीं, इसमें लेटेस्ट अपडेट है 3.13, क्योंकि भैया जी आपको पता होगा जो आपके 3.10 में काफ़ी सारे बग्स थे उसके बाद 3.11 प्रोवाइड किया गया एंड उसको में भी काफ़ी सारे बग्स होने के खातिर वो अपडेट हटा दिया गया एंड 3.13 प्रोवाइड किया गया। एंड इसमें भी काफ़ी सारे बग्स हैं भैया आपको पता तो होगा लाइक दैट कैमरा पबजी वगैरह सबको डिटेलिंग की है पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर फुल डिटेल करके एंड सॉल्यूशन भी बताया कैसे फिक्स कर सकते हैं होगा या नहीं होगा। एंड फाइनली Realme फीटू के लिए बात करें भाई Realme 3 एंड 3i के जितने भी यूजर हैं वो एक कारण है, Realme 5, 5F एंड 5i के भी जितने यूजर हैं वो एक कारण है, Realme फीटू के डिवाइस में Realme UI की फर्स्ट बीटा टेस्टिंग नहीं हो पाई है उसका कारण ये दोनों फोन हैं। कैसे
हैं आपको बता रहे हैं। तो भैया रियलमी 3 एंड 3i वाले यूजर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जब आपका फ़ोन फीडार 10 में अपडेटेड था एंड फिर पबजी लैग कर रहा था, तो आपको फीडार 11 का अपडेट कुछ बंदों को प्रोवाइड किया गया एंड कुछ फ़ोन फीडार 11 में अपडेटेड थे एंड काफ़ी सारे यूजर्स को फीडार 11 का अपडेट नहीं मिला, डायरेक्ट फीडार 13 मिल गया। फोर एंड फाइनली यहाँ पर आपको जो फीडार 13 मिला इसमें भी काफ़ी सारे बग्स देखने को मिल रहे थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रियलमी की तरफ से, भाई हमारे फ़ोन में जुलाई का अपडेट प्रोवाइड करो क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बग्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो भैया जी कैसे बग्स अवेलेबल हैं? तो जो फीडार 13 का अपडेट है इसमें भी बैटरी ड्रेन वाली प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप फिक्स थोड़ा सा ध्यान देंगे फीडार 13 के बाद इसमें बग्स तो हैं भाई, बग्स के साथ साथ बैटरी ड्रेन वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है रियलमी 3 एंड 3i के फ़ोन में। अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो आपको जरूर 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 पता चला होगा भाई हमारे फ़ोन की बैटरी थोड़ा सा फास्ट हो चुके हैं फीडार 13 के बाद। फो फ्रेंड इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट अपडेट में सब कुछ फिक्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आपको 20 से 25 के बाद ही आने वाला, मतलब 20+25 अराउंड आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, फीडार 14 या 15 देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है फीडार 15 क्योंकि जो कि नंबरिंग फ्रिज आते हैं जैसे रियलमी 5, 5F एंड 5i हो चुका है एंड कुछ भी फ़ोन आप ले सकते हैं इसमें, एक मतलब नंबरिंग गैप करके अपडेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो फीडार 15 भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर आपको बता दें भैया इन्हीं कारण वह रियलमी फीटो के डिवाइस में रियलमी UI का अपडेट नहीं प्राप्त हो पाए। एंड फाइनली आपको एक चीज़ और याद करा दें, अगर आप रियलमी के CEO माधव फेट का एक आफ्ट एपिसोड देखे होंगे प्रीवियस वाला, जहाँ पर माधव फेट ने बताया था भाई एट लास्ट सेप्टेम्बर तक हम रियलमी फीटो के डिवाइस में रियलमी UI का अपडेट प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लंबा समय बता दिया था रियलमी के CEO माधव फेट ने, लेकिन वहाँ पर जो समय आपको बताया था वो समय इसलिए बताया था भाई वो एक स्टेबल अपडेट की बात कर रहे थे, ना कि कोई बीटा टेस्टिंग की, जो कि स्टेबल अपडेट की बातें हो रही थी, मतलब फुली स्टेबल अपडेट आपके फ़ोन में 100% रोल आउट हो जाएगा सितंबर के पहले पहले। सो फ्रेंड्स उसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर फाइनली अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है रियलमी फी टू डिवाइस के लिए कि आपके फ़ोन में इस तारीख तक रियलमी UI का बीटा फॉर्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भैया जी अगर हम दूसरे फ़ोन का लें, क्योंकि जून के मंथ तक रियलमी 5, 5F एंड 5i था, उसके बाद जुलाई के मंथ में अगर आप लेंगे थर्ड क्वार्टर में कोई सा भी मंथ कन्फर्म नहीं कर दिया गया था रियलमी की तरफ से, मतलब रियलमी फी टू के डिवाइस हम इसी मंथ में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर स्टार्टिंग जुलाई से होता है। तो भैया जी यहाँ पर जुलाई के मंथ में रियलमी UI फॉर रियलमी फी टू के लिए हम वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पिछले फोन के लिए जिसमें कुछ बीटा टेस्टिंग होती थी, मतलब कोई सा भी फोन हो जो उसमें अपडेट प्रोवाइड किए जाते थे रियलमी UI के, तो वो अपडेट लगभग आपको मिड मंथ तक देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पर भैया 9 तारीख हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मिड तक हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं अपडेट आ जाता है, मतलब आपके फोन में कोई सा भी फॉर्म आता है या फिलअप करने के लिए नहीं। तो फ्रेंड इस बार आपको जो अपडेट्स मिलने वाले हैं रियलमी कम्युनिटी से नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट आपके फोन के सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में जाना होगा, वहां पर ट्रायल वर्जन में जाकर के आपके फोन में वो अपडेट मिल जाएगा। फाइनली आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसके रिलेटेड। आपको कोई सा भी दिक्कत हो रहा है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। एंड फाइनली बात आता है रियलमी 5, 5F एंड 5i के लिए, क्योंकि भैया यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है भाई रियलमी 5, 5F एंड 5i के फोन में। रियलमी UI का लेटेस्ट अपडेट फीडार्ट 49 वाला अपडेट काफ़ी सारे यूजर्स को मिला भी था एंड मिलने के बाद वो अपडेट ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो भैया गायब हो गया उसका कारण आपको बता दें, क्योंकि फीडार्ट 49 वो एक स्टेबल अपडेट होने के बाद भी उसमें काफ़ी सारे बग्स देखने को मिल रहे थे, इसी कारण ये अपडेट आपके फोन पे हटाया गया। एंड फाइनली वो अपडेट आपको रिफ्यू जल्द ही होने वाला है, फीडार 49 नहीं होगा, फीडार 51 होने वाला है रियलमी की तरफ से। रियलमी UI का लेटेस्ट अपडेट फीडार 51 आपके फोन में जल्दी प्राप्त होने लगेगा, लेकिन ये अपडेट आपको विद इन 1 वीक के बाद ही मिलने वाला है, क्योंकि फीडार 51 वाला जो अपडेट आएगा सबसे पहले जिनका फोन फीडार 49 में अपडेटेड है सबसे पहले उनको मिलेगा एंड फिर आपको मिलेगा, क्योंकि फीडार 49 एंड 51 दोनों फाइलों को कंपेयर कर मतलब मर्ज करके वो अपडेट आपके फोन में प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर फ्रेंड इसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही होगा, इतना जल्दी आपको अपडेट नहीं मिलने वाला, विद इन 1 वीक के बाद ही मिलेगा। तो इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन तो है भी आपको रियलमी UI का अपडेट नहीं मिला है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे बग्स देखने को मिलेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम आती है ना भाई, हमारे फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग हो रही है या फिर ये हो रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा, तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो आपके फ़ोन में जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब आपके फ़ोन में जो अपडेट फटाया गया भाई, ये अपडेट फटाया तो ये अगर आप गुफा कर रहे हैं, काफ़ी सारे यूजर्स ये बोल रहे थे भाई रियलमी ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, ये फ़ोन का अपडेट देकर भी हटा दे रहे। फो फ्रेंड्स आपको बता दें
अपडेट देख के तो हटा दी बात सही आपके, बट यहाँ पर फाइनली अगर आपके फ़ोन में ये कंप्लेन कर रहे हैं भाई हमारे फ़ोन में बग्स है ये वो आ रहा है क्या कुछ, मतलब क्या कुछ बता रहे हैं कि आपको बता दें, फाइनली आपको जो अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको फुली या फ्री आप बग्स प्रोवाइड करें ना, मतलब बग्स वगैरह तो क्या मतलब है, तो इसीलिए ये अपडेट का आप वेट करना होगा आपको, लेटेस्ट अपडेट का कोई अदर अपडेट आ जाए आपके फ़ोन में, मतलब फीडर फाइव ऑन आ जाए तो डायरेक्ट आपको दोनों फाइलों को मर्ज करके आपके फ़ोन में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके रिलेटेड यार क्या बताएं आपको, कोई सा भी टेंशन नहीं, विद इन वन वीक आपके फ़ोन में ये अपडेट प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, दैट्स इट एंड फाइनली बहुत सारे थैंक्स, क्योंकि ये अपडेट को जितने भी अपडेट्स हैं आपको मैंने बताया रियलमी 3 एंड 3i के रिगार्डिंग, रियलमी फी 2 के रिगार्डिंग, रियलमी 5 एफ एंड 5i के रिगार्डिंग, फो फ्रेंड्स ये सब जो भी बातें बताया लाइक दैट कुछ ऐसा ही होने वाला है रियलमी के साथ, फो फ्रेंड दैट फी